इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा डेट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, डेटा टाइप ये बता रहे होते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए पहले मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेता हूँ सी लैंग्वेज का, देन आपको बताता हूँ कि ये डेटा टाइप्स क्या होती हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ये मैंने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया अभी। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल्स डालूँगा और हर वेरिएबल का उसका डेटा टाइप भी डालूँगा। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल डालना है बैलेंस नाम का, तो मैं इसका डेटा टाइप रख देता हूँ इंट। बैलेंस नाम का वेरिएबल बन चुका है जिसका डेटा टाइप है इंट, और अब बैलेंस के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं जो इंटीजर टाइप होगी। ये इंट जो है ना, ये डेटा टाइप है, ये इंटीजर। अब ये बताता है कि बैलेंस नाम के वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगी। अब इंटीजर टाइप वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, ज़ीरो भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव 894, इसी तरह से नेगेटिव 524, इस तरह से वैल्यूज़ आ सकती हैं, ज़ीरो भी आ सकता है। तो इंटीजर के लिए हम इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं ताकि बताया जा सके कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू का स्टोर होगी। तो आप किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप अगर इंट रखेंगे, उस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगी। अब इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, उसकी डाटा टाइप भी मैं क्या रखना चाहता हूँ, इंट। और मैं रख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल नेम स्ट्रीट नंबर। बीच में आप स्पेस नहीं रख सकते वेरिएबल नेम में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट नंबर, ये भी वेरिएबल बन गया। अब स्ट्रीट नंबर वाले वेरिएबल में भी हम कोई इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ ग्रेड। ग्रेड नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसकी मैंने डेटा टाइप रखी अब कैर। कैर से मुराद ये है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। लें जी, आप इनमें वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बैलेंस में अगर वैल्यू स्टोर करूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बैलेंस इज इक्वल टू, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी फाइव। ये बैलेंस वाले वेरिएबल में वैल्यू चली गई है। अब इसी तरह स्ट्रीट नंबर में भी मैं वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, स्ट्रीट नंबर वन। अब ये वन वाली जो वैल्यू है वो स्ट्रीट नंबर वाले वेरिएबल में चली गई है। इसी तरह अगर मैं ग्रेड में वैल्यू इंसर्ट करूँ तो इसके अंदर अब मैं कोई इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकता। अगर कर भी सकता हूँ, लेकिन एक करैक्टर ही बस मैं स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अब करैक्टर जो है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है। तो आप कुछ भी यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर अभी लेटर यूज़ करता हूँ ग्रेड बी, ठीक है। और आपने करैक्टर के अंदर जो एक करैक्टर लिखना होता है ना, उसको डायरेक्ट नहीं लिख देना, इसके ऊपर सिंगल कोट लाजमी आपने लिखना है। करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है उसमें जब वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे होते हैं उसका सिंगल कोट लाजमी देते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते थे यहाँ इक्वल लिख कर, राइट, यहाँ पर इक्वल लिख कर, लेकिन मैंने बाद में किया, ये भी तरीका ठीक है। अब लेट से मैं एक और वेरिएबल डालता हूँ जिसका डाटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल कौन सी वैल्यू को स्टोर करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट से मार्क्स नाम का एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ कि कितने मार्क्स हैं, इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। बाद में भी कर सकते थे जिस तरह यहाँ पर किया गया कि बैलेंस नाम का पहले वेरिएबल डाला, फिर एंड पर तीनों वेरिएबल्स को डालने के बाद एक एक वेरिएबल में मैंने वैल्यू इंसर्ट करता गया हूँ। लेकिन यहाँ पर मार्क्स में मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करने लगा हूँ, तो आप इनकी वैल्यू भी डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। मार्क्स में मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ
82.42। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो हम स्टोर कर सकते हैं मार्क्स के अंदर। जो फ्लोट डाटा टाइप होता है ना, वो यही बताता है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो आपकी क्या हो सकती है, वैल्यू डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है या फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो सकती है। जबकि इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती, ना ही वो कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो सकती है, मतलब कि उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती इंटीजर वाले वेरिएबल के अंदर। जबकि जो मार्क्स वाला वेरिएबल होता है उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर है 82.42, यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। जबकि जो करैक्टर टाइप का वेरिएबल होता है उसमें हम सिर्फ एक सिंगल करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, वो करैक्टर कोई नंबर भी हो सकता है, कोई करैक्टर लेटर भी हो सकता है, और कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक लेटर दिया, अल्फ़ाबेट दिया, राइट। अब चलते हैं जी इनकी डाटा टाइप की तरफ आते हैं, इनकी फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डाटा टाइप क्या होता है, द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा डैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर होगा, किस टाइप का डाटा स्टोर होगा उसको बताता है डाटा टाइप। ये इसकी डेफिनेशन होगी डाटा टाइप की इधर तक। फिर यहाँ पर आ जाएं जी, इस टेबल को आप लाजमी करें। टाइप्स ऑफ डाटा, इंटीजर टाइप जो डाटा होता है उसको अगर सी लैंग्वेज में आपने लिखना है तो आपने क्या लिखना है, इंट। फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो क्या होती है, विद आउट डेसिमल पॉइंट और विद आउट फ्रैक्शन। यहाँ पर 5, 23, -9 आप इस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कौन सी स्टोर की है, 14,185, 1, तो आप माइनस में भी प्लस में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद रियल जो वैल्यू होती है उसको अगर आपने सी लैंग्वेज में उसकी रियल वैल्यू को स्टोर करना है तो आपने डाटा टाइप यूज़ करनी है फ्लोट, जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू या फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी एग्जांपल लिखी हुई है, 3 एग्जाम्पल हैं। आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने लिखी है प्रोग्राम के अंदर, ये रियल वैल्यू है, ये आपके पास इंटीजर वैल्यू है, और जो रियल वैल्यू है ना उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोट ही देते हैं ना, रियल वैल्यू कह लें या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कह लें एक ही बात है, लेकिन रियल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को देने के लिए हमने फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ करना है। फ्लोट जो है ना ये कीवर्ड है, इसी तरह कैर भी कीवर्ड है, इंट भी कीवर्ड है, ये दरअसल डाटा टाइप बताने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सी लैंग्वेज को में पहले ही बता दिया गया है कि इन वर्ड्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहा जाता है, राइट। आगे चलते हैं, अब वेरिएबल यहाँ पर आ जाएं जी। अब करैक्टर, करैक्टर डालने के लिए आपको कैर का यूज़ करना पड़ता है, पहले मैंने आपको बताया। सिंगल कोड के अंदर वैल्यू लिखनी पड़ती है, जिस तरह यहाँ पर लिखी हुई है, सिंगल कोड के अंदर ए लिखा है, सिंगल कोड के अंदर परसेंटेज, सिंगल कोड में ही स्टार लिखा हुआ है। इंटीजर टाइप डाटा टाइप की तरफ आते हैं, अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डाटा टाइप कैन स्टोर द इंटीजर वैल्यू, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी वो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकेगा। अब इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, एन इंटीजर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पर सच एस 10, 520 एंड -20, ये क्या है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू है ही कोई नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। द इंट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी इंटीजर डाटा टाइप आप रखना चाहते हैं तो आपको इंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंट, तो मुझे क्या लिखना पड़ा, इधर इंट लिखना पड़ा। इंट जो है एक कीवर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है जब किसी वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर टाइप देना हो, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। द इंट डाटा टाइप टेक्स 4 bytes ऑफ द मेमरी, ये मेमरी के अंदर रैम के अंदर 4 bytes लेता है। इट कैन बी साइंड और अनसाइंड, जो इंटीजर डाटा टाइप होता है ये साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। साइंड इंट क्या होता है, द साइंड इंट कैन स्टोर द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, साइंड इंट के अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों स्टोर कर सकते हैं। इट्स वैल्यू रेंज फ्राम 2 अरब, और आगे फिगर लिखी हुई आप पढ़ भी सकते हैं माइनस में, और प्लस में भी 2 अरब, और फिगर आगे आप मजीद लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से इस रेंज में हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं साइंड इंट के अंदर। द टाइप ऑफ इंट इज़ कंसिडर्ड साइंड इंटीजर बाई डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर देखिए मैंने इंट से पहले साइंड नहीं लिखा,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कंपाइलर समझ लें कि साइंड ऐड कर देगा। जिस इंट के साथ साइंड नहीं लिखा होता या अनसाइंड नहीं लिखा होता, खाली इंट लिख देना, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जब कंपाइल कर रहा होता है इसके साथ साइंड लिख देता है, राइट, ये लिख देता है साइंड इंट। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं साइंड इंट देन वेरिएबल का नेम, तो आप यहाँ पर साइंड लिख भी दें तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं लिखेंगे ऑटोमेटिकली कंपाइलर वहाँ पर खुद ही लिख देगा। तो आपके जो साइंड इंटीजर टाइप वेरिएबल होता है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों स्टोर कर सकते हैं, किस रेंज में कर सकते हैं वो रेंज यहाँ पर ये बताई हुई है, क्लियर। इन दोनों के दरमियान की वैल्यूज़ जो हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं साइंड इंटीजर के अंदर। यहाँ से माइनस वाली वैल्यू से लेकर इस पॉजिटिव नंबर तक आपकी वैल्यू जो है वो साइंड इंटीजर में स्टोर हो सकती है। अनसाइंड इंटीजर की तरफ अगर हम जाएं तो अनसाइंड इंटीजर कैन ओनली स्टोर पॉजिटिव वैल्यू, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं स्टोर किया जा सकता। इट्स वैल्यू रेंज फ्राम 0 to 4 अरब, और मज़ीद आगे फिगर लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं। वो इसमें ज़ीरो भी स्टोर किया जा सकता है और पॉजिटिव वैल्यूज़ ये वाली इस रेंज तक आप स्टोर कर सकते हैं अनसाइंड इंट में। द कीवर्ड अनसाइंड इंट इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर द अनसाइंड इंटीजर। अगर आपने अनसाइंड इंटीजर लिखना है ना तो आपको ये बकायदा लिखना पड़ेगा कि इसमें ये अनसाइंड है, जिस तरह मैंने अभी ये लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखना है। अनसाइंड इंट, अब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर इस वैल्यू रेंज तक। अगर आपने अनसाइंड इंटीजर लिखना है तो ये डाटा टाइप जो है ना इंट, इसके साथ अनसाइंड लिखना ही पड़ेगा, ये मुकम्मल एक डाटा टाइप बन जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को इस रेंज में स्टोर कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, राइट। अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं स्टोर हो सकती। तो दो तरह के इंटीजर डाटा टाइप होते हैं, एक होता है साइंड इंट, एक होता है अनसाइंड इंट। तो अब ये जो है ना ये साइंड इंट है, क्योंकि साइंड इंट अगर आप वेरिएबल की डाटा टाइप के साथ साइंड नहीं ना लिखते, कंपाइलर खुद अपने आप लगा देता है कि इसके साथ साइंड है जब कंपाइल कर रहा होता है। सम कंपाइलर्स यूज 2 bytes टू स्टोर एन इंट वैल्यू। कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 byte लेते हैं इंटीजर टाइप वैल्यू को, सॉरी इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। द रेंज ऑफ इंट वैल्यू इन दीज कंपाइलर्स फ्राम -32,768 to 32,767 तक, इस रेंज में वैल्यू होती है जो कंपाइलर्स सिर्फ 2 byte लेते हैं किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। लेकिन आजकल जो आमतौर पर कंपाइलर्स चलते हैं वो इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए 4 bytes लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेव सी प्लस प्लस कोड ब्लॉक्स, ये 4 bytes ही लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, जबकि जो पुराने थे मसलन टर्बो सी प्लस प्लस जो IDE थी वो 2 bytes ही लेता था, और लेकिन उसकी फिर जाहिर सी बात है 2 byte जो कंपाइलर्स लेते हैं ना उनकी इंटीजर टाइप वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर करने की जो रेंज होती है वो ये होती है, जबकि आजकल के जो IDEs हैं मसलन डेव सी प्लस प्लस कोड ब्लॉक्स वगैरह वो 4 bytes लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, और उनकी रेंज इस ये वाली रेंज होती हैं अनसाइंड इंटीजर की, ये सॉरी साइंड इंटीजर की ये, और अनसाइंड इंटीजर की ये वाली रेंज होती है, क्लियर। इंटीजर टाइप वैल्यू कौन सी होती हैं, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता या कोई फ्रैक्शन नहीं होती, क्लियर, जिसमें मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, उसको हम इंटीजर टाइप वैल्यू कहते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी वो इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और मैंने बता दिया कि इंटीजर टाइप वैल्यू कौन सी होती है और इसके आगे से 2 types हैं। आगे आ जाएं जी, ये MCQs में आ सकता है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि एक जो इंटीजर टाइप डाटा टाइप होता है वो 4 bytes लेता है, अगर वो 2 लेता है तो उसकी रेंज ये होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जो होते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप होते हैं या रियल डाटा टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। अ वेरिएबल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप कैन स्टोर रियल वैल्यूज़, एक ऐसा वेरिएबल जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का होता है उस वेरिएबल के अंदर हम रियल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं या रियल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन मौजूद होती है, मिसाल के तौर पर 2.5, 4.0 एंड -5.91,
द फ्लोट की वर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। किसी फ्लोट वेरिएबल को देने के लिए हमें क्या की वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, फ्लोट की वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब मार्क्स वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, तो हमें फ्लोट की वर्ड इज़ यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और इसकी जो रेंज क्या होती है, आई होप नजर आ रहा होगा, इट्स वैल्यू रेंज फ्राम 3.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज माइनस 38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज प्लस 38 तक इसकी रेंज होती है। इधर तक लास्ट में करें इसका, ये आपने इंटीजर डाटा टाइप वाला ना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाएं जी, करेक्टर डाटा टाइप। अ वेरिएबल ऑफ करेक्टर डाटा टाइप कैन स्टोर वन करेक्टर। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप करेक्टर होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर स्टोर किया जा सकता है। जिस तरह अब ये ग्रेड जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, कैर, मतलब कि करेक्टर डाटा टाइप है इसकी, तो इसके अंदर सिर्फ एक करेक्टर ही स्टोर किया जा सकता है, वो भी सिंगल कोट के अंदर। अ सिंगल करेक्टर मे बी एन अल्फ़ाबेट अ डिजिट और अ स्पेशल करेक्टर। ये जो सिंगल करेक्टर होता है ये कोई अल्फ़ाबेट डिजिट या कोई स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है। द करेक्टर वैल्यू इज नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स सच एज ए सिंगल कोट के अंदर है, एक्स सिंगल कोट के अंदर है, फाइव भी सिंगल कोट में है एंड हैशटैग भी सिंगल कोट में है। कि जो ऐसा वेरिएबल जो जिसकी डाटा टाइप कैर होती है या करेक्टर होती है उसके अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो सिंगल कोट के अंदर स्टोर करते हैं। द कैर की वर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ करेक्टर डाटा टाइप। अगर आपने किसी वेरिएबल की डाटा टाइप करेक्टर देनी है तो आपको कैर की वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पर यूज़ किया गया। इस वेरिएबल की डाटा टाइप कैर देनी थी तो इस वेरिएबल की डाटा टाइप करेक्टर देने के लिए मैंने यहाँ पर कैर की वर्ड यूज़ किया। इट टेक्स वन बाइट इन द मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर सिर्फ वन बाइट लेता है। आप मेमोरी लोकेशन लाजमी याद रखिएगा कि इंटीजर डाटा टाइप आमतौर पर आजकल 4 बाइट्स लेता है, जबकि जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप वेरिएबल होता है वो भी 4 बाइट लेता है, लेकिन इंटीजर में 2 बाइट भी लेता है। जो 2 बाइट लेते हैं उनकी जो वैल्यू स्टोर करने की रेंज होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि जो 4 बाइट लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल उनकी वैल्यू स्टोर करने की रेंज मुख्तलिफ होती है। इसी तरह से करेक्टर जो डाटा टाइप वाले वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ 1 बाइट लेते हैं मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें एक करेक्टर ही स्टोर होता है। और एक मतलब मैं फिर से बता देता हूँ डाटा टाइप किस लिए यूज़ होता है। डाटा टाइप दरअसल ये बताता है कि किस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा आप स्टोर करेंगे, उस चीज़ को बताने के लिए हम डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको डाटा टाइप्स के बारे में क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।